नमस्कार दोस्तों, सीकेबीसी आडे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का नया टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताएंगे, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर क्या है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा। आप देख सकते हैं इमेज आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा, और आज इसके बारे में जान लेते हैं कि स्क्रू ड्राइवर हमारे जीवन में किस किस प्रकार से किस किस जगह पर कैसे उपयोगी में लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन उठाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से क्वेश्चनों को वो इधर उधर करके ये पूछते हैं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आप सही सटीक तरीके से आंसर नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे जान लेते हैं या डेफिनेशन समझ लीजिए कि कहा जाता है कि स्क्रू ड्राइवर, हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पेचकस। पेचकस को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। लेकिन बात यह होती है कि स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है, कि स्लॉट झर्रियों को खोलने तथा कसने के लिए स्थानों के जगह पे अगर कि स्क्रू ड्राइवर कहीं पर लग गया है, स्क्रू कहीं लग गई है, तो वहाँ पे स्क्रू जो लगी है तो स्क्रू के साथ ये ड्राइवर हमारे भाई साहब ये जाते हैं, खुद वहाँ पे पहुँचते हैं और उस स्क्रू को खोलने का काम करते हैं। तंग जगह जगहों को जैसे झीलदार स्क्रू को खोलने के लिए, झीलदार स्क्रू बोले तो किस प्रकार का रहेगा दोस्तों, तो एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका ये पॉइंट रहेगा कुछ इस प्रकार से, स्क्रू रहेंगे उसमें ये थ्रेडेड कर रहे हैं, ठीक है। और जाके ऊपर क्या रहेगा, एक कैप जैसा रहेगा, लेकिन उस कैप में क्या रहेगा, बीच में इस प्रकार के एक निशान रहेंगे, इसमें इस प्रकार के एक निशान रहेंगे। अब इसको बोलते हैं कि स्क्रू, और ये स्क्रू किसी भी जगह या दो पार्टों में संपर्क करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें थ्रेड कटे हुए, जो मेट्रिक थ्रेड कटी होती है, आपको एक बार थ्रेड का भी वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें क्या है कि इसको खोलने के लिए भाई साहब को यहाँ पकड़ना पड़ता है, और जब लगाएंगे तो ये कौन सा स्क्रू, हमारा स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू इसका नाम है, और ड्राइवर ये, मतलब ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, मतलब ये चालक है, और चालक को खोलेगा चलाएगा जो भी करेगा, ठीक है। अब इन भाई साहब को खोलने के लिए इन ड्राइवर की जरूरत है, और ये ड्राइवर आएंगे तो वो स्क्रू ड्राइवर बन गया हमारा। तो झिर्रियों को खोलने तथा कसने का काम हमारा जो होता है वो स्क्रू ड्राइवर करता है। अब यहाँ पे नोट करते हैं कि ये कितने टाइप में होते हैं, तो टाइप का करके सबसे पहले इसके पार्ट्स के बॉडी के नाम को जान लिया जाए। तो यहाँ पे देखते हो कि आप हैंडल दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक का बना होता है, किसका, प्लास्टिक का बनाया जाता है। ये जो हैंडल आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है कि पकड़ने का शेप आकृति दी हुई है, किस प्रकार से है कि मस्त एक डिजाइन दिया गया है, और इसको बिल्कुल आसानी से आप पकड़ सकते हैं। और आगे एक लोहे का फेरू लगाया जाता है, जिससे क्या होती है कि मुठिया क्षतिग्रस्त होने से बचत हो जाए, और जो हमारा इसमें सॉफ्ट इसमें गया हुआ है, सॉफ्ट कहे तो सॉलिड लोहे की बात कर लेंगे, या आपका ये आपका जो सॉफ्ट है, ये ब्लेड है, यहाँ आके राउंड हो गया, आगे जाके ब्लेड बना हुआ है, उसमें मूवमेंट ना कर सके, ठीक है। इसीलिए फेरूल लगाया जाता है, और मूवमेंट को रोकने के लिए एक पिन भी लगाई जाती है अंदर, ताकि जब हम स्क्रू को लगाते हैं, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्क्रू को लगाते हैं, एक ड्राइवर को लगाते हैं, तो वो ड्राइवर क्या करता है, स्क्रू में तो चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा, जब उसको घुमाएंगे तो वो सॉफ्ट इसके अंदर ही अंदर ना नाचे, नहीं तो स्क्रू क्या होगा, हमारा खुलेगा नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फेरूल, फेरूल को क्या करता है, मुठिया को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। वो प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं और हार्ड लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। हार्ड लकड़ी कहे तो क्या होता है दोस्तों, कि जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, इन सब लकड़ियों को बनाने से क्या होता है, पश्चात कुछ लोग कारपेंटर वाले या कुछ मतलब वर्कशॉप वाले ये करते हैं कि इसी से ठोकने या ठिठाने लगते हैं, जिसके कारण से अगर ये कमजोर बना रहेगा तो जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त होकर टूट जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सैंड निकल क्रोमियम की प्लेटें। ये सैंड जो होती है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक सैंड बोला जाता है इसको, तो उसके ऊपर एक निकल क्रोमियम के प्लेटेड की होती है, और वो प्लेटेड करने के बाद से इस पर जंग जल्दी नहीं लगता, और बहुत चिकनाई की तरह दिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं, जिसके कारण ये जरूरत है हम लोगों को निकल तथा क्रोमियम की। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है शैंक होता है दोस्तों, इसको शैंक बोलते हैं। आगे की पॉइंट देखेंगे तो आपका टिप है, जो ये दिखाई दे रहा है आपको टिप है, जिस प्रकार से फाइल में मैंने इसके पीछे बताया था कि टिप टू पॉइंट होती है, उसी प्रकार से जो टिप है, हार्डनेस इसकी बात ज़्यादा होती है, ठीक है। और हार्डनेस की बात करेंगे तो पॉइंट आपका पॉइंटेड ब्लेड भी कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है, पॉइंट कहा जाएगा, और पॉइंटेड ब्लेड भी कहा जा सकता है। इसके बाद से ब्लेड के पास से एचआरसी हाइपर रैक्चर कैपेसिटी या हार्डनेस जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसकी हार्डनेस कितनी होती है, 48 से लेकर 52 तक होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार ध्यान से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजिंग का क्वेश्चन हो तो ये वीडियो में बैक करके फिर आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद लेंथ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका लेंथ लिया जाता है। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्क्रू ड्राइवर का साइज कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार से ले सकते हैं, तो भाई जो सैंक है उसकी पूरी लंबाई से लिया जा सकता है पॉइंट से लेके तक दोस्तों। तो इस प्रकार से सैंक से लेके टिप टू पॉइंट तक हम ले सकते हैं या हमारा टिप तक चला जा सकता है, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं कि किस प्रकार का टॉपिक कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर एक टॉपिक में चलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं CH3S लिखा है और CS लिखा है, मतलब हाई कार्बन स्टील किसी किसी ग्रुप में दिया है और कार्बन स्टील किसी किसी ग्रुप में दिया है, लेकिन दोनों के आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन में आएगा तो CS नहीं आएगा, या CS आएगा तो HCS आएगा तो CS नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार का दोनों देता है तो इनमें से दोनों सही देता है, ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऐसे कोई करेगा ऑप्शन देगा। तो आप समझ जाएंगे कि हाई कार्बन स्टील का भी बनता है और कार्बन स्टील का भी बनता है, कास्ट स्टील इसके पीछे में है, मैंने वो बताया था, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर टॉपिक पूछता है कि भाई स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है, तो प्लास्टिक का और कड़ी लकड़ी का भी बनाया जा सकता है, ये दूसरे नंबर का हो गया। इसका साइज कैसे लिया जा सकता है, तो ये देख सकते हैं सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से। सैंक की लंबाई कहे तो ये यहाँ तक आएगा और टिप की चौड़ाई ये जो बाहर है भाई ये तो चौड़ाई है आपकी, तो ये आपका टिप की चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज इस प्रकार से लिया जाता है। अब यहाँ पर चौथे नंबर की बात करेंगे तो हार्ड एंड टेम्पर की बात करते हैं, तो चौथा नंबर हार्ड एंड टेम्पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए ये तो भाई साहब इनके ऊपर का हेड जो है आकृति जो दिख रही है क्या वो सॉफ्ट है ये आपको पता नहीं है, कहीं मान लीजिए इन भाई साहब से कहीं हार्ड हो गई नर्म हो तो क्या हो जाएगी, वो ऐसे ऐठ जाएंगे, ठीक है। जब आप लोग देहात में या मतलब शहर में जो भी जहाँ पे हो आप कोई मशीनें यूज करते हैं किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो जब स्क्रू ड्राइवर को लगाते हैं अगर स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट क्या होता है लेकिन नर्म होता है अगर सॉफ्ट लोहे का बना हुआ है तो जब ग्रूव में लगा के जब हम लोग उसको ऐसे कसते हैं या खोलते हैं तो क्या होता है ब्लेड जो होता है ऐसे टेपर हो जाता है टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है कि ये खुलता नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, ठीक है। हार्ड एंड टेम्पर मेट्रोलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं और हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ा चुके हैं, आप उसके जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका है यहाँ पर थ्री पार्ट्स इसके होते हैं, भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ का हैंडल हो गया है, ये आपका फेगुल हो गया, ये पार्ट्स में नहीं गिनता, ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान के लिए है, आपका हैंडल हो गया, सैंक हो गया और टिप आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। जहाँ तक कि हम ब्लेड भी कह सकते हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, जैसे ब्लेड भी कह सकते हैं, टिप टू पॉइंट भी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं, ठीक है, फोर्जिंग एंगल भी कर सकते हैं क्योंकि फोर्ज करके ऐसे आकृति में उसको दिया गया है, देख सकते हैं आप ऐसे ग्रुप बना के और ऐसी आकृति में दिया गया, फोर्जिंग एंगल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भाग आपका सैंक होता है जो उसका सैंक की पूरी लेंथ लंबाई से उसका साइज दिया जाता है या टिप की चौड़ाई से ऐसे बोल सकते हैं। अगला आपका आता है दोस्तों कि स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, तो सिक्स उसमें से कुछ आप स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो स्क्रू देखिए स्क्रू ड्राइवर जो होता है स्क्रू ड्राइवर हम बार बार बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आपको, तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है भाई कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार में क्या कौन से छह प्रकार के होते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर आप जान सकते हैं कौन कौन से होते हैं। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल, ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होता है, साधारण कार्यों में आम वर्कशॉप में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे कीवी जनरल खांचा काटा होता है वहाँ पे स्क्रू को खोलने तथा कसने के लिए लाया जाता है, बाकी जितनी प्रोसेस बताया वो सारे स्क्रू ड्राइवर का होता है दोस्तों। इसके पास आपका फ्लिस आता है, ऑफसेट आता है, कारपेंटर का आता है, वॉचमेकर आता है और इसके बाद रैचेट आता है, तो रैचेट और कारपेंटर वॉचमेकर ये सारे आपके सामने दिखा हुआ है। अब एक एक करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे छह नंबर का स्क्रू को सिर्फ खोलने तथा कसने के लिए किसका यूज करते हैं, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का। जो रैचेट स्क्रू ड्राइवर होता है दोस्तों वो स्क्रू को सिर्फ खोलने तथा कसने के लिए लाया जाता है, बट बात ये होती है कि रैचेट में देखिए दोस्तों क्या होता है कि स्क्रू को सिर्फ खोलने तथा कसने के लिए लाया जाता है, यही केवल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बस, इसमें बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, स्क्रू को तुरंत खोलने तथा कसने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो क्या करने के लिए, तुरंत खोलने तथा कसने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक शिफ्टर बटन लगा होता है, क्या होता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर में एक शिफ्टर बटन होता है, वो शिफ्टर बटन जब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर खींचते हैं तो क्या करता है कसने का काम करता है, नीचे रखते हैं तो खोलने का काम करता है, ऐसी कोई प्रक्रिया है, ठीक है। इसको एक बार वीडियो भी इसका बनाया जाएगा, अलग से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि सिंपल तरीका जाने बट उतना क्वेश्चन को जटिल नहीं है, बस ये पूछता है कि इसको कुर्सी को खोलने तथा कसने के लिए तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है और उसमें एक बटन होता है जिसे शिफ्टर बोलते हैं और उसको पकड़ के उसको दबाया जाता है तो आगे बहुत तेजी से ये ब्लेड नाचता है और खुलता है, ठीक है, वो रैचेट का काम होता है।
अब तंग कुंडली ऑफसेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तंग कुंडली ऑफसेट, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर एक होता है जो तंग कुंडली जगह पे 90-90 का एरिया होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये भाई आपका स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार का होता है, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और ये भी एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है, दोनों एंगल 90 डिग्री का होता है। आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं तंग जगह पे, जो तंग जगह है वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका, तंग कोणी जगह पे, तंग कोणी जगह पे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोणी वाला जगह था, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रू लगा है तो ये बिल्कुल आसानी से कर सकता है और तंग कोणी जगह यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल बीच में इसको पकड़ के आसानी प्रक्रिया तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तंग कोणी जगह हो गया और इसका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर नाम होता है, ये क्लियर रख लीजिएगा। फ्लिप्स है स्क्रू जो आपके चार खांचे वाले होते हैं, जैसे इसमें दो खांचा वाला बताया था ना, तो बीच में एक और खांचा कटा रहेगा, वो चार खांचा वाला रहेगा। ठीक है, बीच में एक और खांचा रहेगा तो चार, इसको बोलते हैं फ्लिप्स स्क्रू। फ्लिप्स स्क्रू जो होता है उसके लिए हमें फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। तो जो फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है इसके जैसे फ्लैट जैसे वो एक सीढ़ी वाला नहीं होता, उसमें चार खांचे कटे होते हैं, चार फ्रूट्स कटे होते हैं, जिस प्रकार से इसमें उसमें चार खांचे कटे होते हैं, चार फ्रूट्स कटे होते हैं और उस फ्रूट्स का साइज नंबर जो होता है उस स्क्रू ड्राइवर का 0 होता है और 1 होता है, 2 से 1/2 होता है, 2 होता है, 2 से 1/2 होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर के साइज नंबर होते हैं, ऐसे साइज नंबर का आप ले सकते हैं, उसमें चार फ्रूट्स कटे होते हैं और बहुत ही शीघ्रता से हम क्या करते हैं फ्लिप्स स्क्रू को खोलने के लिए फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज करके बड़ी आसानी से इसको खोल सकते हैं, क्योंकि चार खानों पे चारों ग्रूव क्या करते हैं आसानी से जाके बैठ जाते हैं और जल्दी से झट से खोल सकते हैं। वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर की बात करेंगे तो वॉचमेकर घड़ी साथ घड़ियों में यूज किया जाता है, इसको वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या होती है कि ये 6 सेट में पाया जाता है, हर जगह पे किसी भी घड़ी साथ वाले दुकान पे आप जाके देख सकते हैं कि 6 सेट में होती है। 0 से 5 नंबर के साइज में ये मिलते हैं, 0 से 5 नंबर का होता है दोस्तों, जो 0 नंबर का होता है, जो 0 नंबर का स्क्रू ड्राइवर होता है, कौन सा स्क्रू ड्राइवर, वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर, वो क्या होता है कि बहुत पतला होता है, लेकिन 5 नंबर क्या होता है दोस्तों, बहुत मोटा होता है। इसकी इमेज की बात करेंगे तो इमेज इसकी कुछ इस प्रकार की होती है, जो कि आप जान सकते हैं किस प्रकार की होती है, तो कुछ इस प्रकार की इसकी इमेज होती है, ऊपर से हल्का सा एक पॉइंट पकड़ने वाला होता है, नीचे आके इस प्रकार का ब्लेड होता है और इस नरने वाला जगह होता है, यहाँ से सॉफ्ट निकली होती है और यहाँ घुमाने वाला एक पॉइंटेड होता है और नीचे आपका इस प्रकार से फंसने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से रख लेते हैं और इसको घुमाते हैं, इसको पकड़ के ऐसे। वॉचमेकर वाले में इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी झट से कस देता है और बहुत जल्दी झट से खोल देता है। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ये चपटा वाला आपको क्लियर करा चुके हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आपको एक चिट्ठा बताया जो आपका क्या होता है कारपेंटर वाला, वो आपका 6 हो गया, तो ये 6 प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों कुछ सावधानियां की, लेकिन उसके पहले ये भी बता दे रहे हैं कि ये रैचेट वाला जो होता है कि हैंडल को उठाया जाता है और दबाया जाता है। रैचेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है कि जब स्क्रू को खोला जाता है या कसा जाता है तो हैंडल को उठाया या दबाया जाता है, तब जाके यहाँ पे मूवमेंट एक सिस्टम लगाया गया है, बहुत तेजी से नाचता है और कुछ कस देता है, ये काम कर लेते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं कि स्क्रू ड्राइवर को टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पर रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल कहीं और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है, जो कि बाकी पूरे आपको एक्सप्लेन के तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, और बाकी आप जान सकते हैं कि थोड़ा और पार्ट इसको बढ़ाना है, जैसे टाइप वाले में तो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन टाइप वाले में भी जितना पूछता है वो क्लियर हो गया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।